हाय फ्रेंड, नमस्कार। इनकम टैक्स लॉ अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे टैक्समैन का एक एडिटोरियल कंपाइलेशन, जिसमें उन्होंने आईटीआर फॉर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के में जो चेंजेस लाए गए हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बड़ा अच्छा ही कंपाइलेशन है इसमें, कि कौन कौन से चेंजेस हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से फॉर्म अप्लाई होंगे, इसका डिटेल यहाँ पर एनालिसिस आर्टिकल में दिया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीबीडीटी ने जो है इस बार आईटीआर फॉर्म जो है बड़ा जल्दी उन्होंने नोटिफाई कर दिया। इन्होंने 30 मार्च 2022 और 1 अप्रैल 2022 को ही फॉर्म नोटिफाई कर दिया था। और यहाँ पर जो है ऐसे कंडीशनल कोई चेंजेस इसमें नहीं है, जो सिंपली जो फॉर्म जो आईटीआर 1 से आईटीआर 4 में है। तो यहाँ पर जो न्यू फॉर्म जो है, यहाँ पर कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, जैसे कि डेट ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा इंडिविजुअल चूज कर सकता है सुटेबल ऑप्शन इन सपोर्ट ऑफ हिज सिलेक्शन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। जैसे इंडिविजुअल हैज टू चूज वन आउट ऑफ द फोर ऑप्शन इफ हिज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। इसके अलावा आईटीआर फॉर्म में जो चेंजेस हैं वो उसमें फाइनेंस एक्ट 2021 के जो अमेंडमेंट है, या और टैक्सेशन एंड अदर लॉज रिलैक्सेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन प्रोविजन एक्ट 2022 रियली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यहाँ पर आईटीआर फॉर्म में इंकॉर्पोरेट किया गया है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा फॉर्म किस तरह के नेचर ऑफ जो इनकम है उस पर अप्लाई होगा। तो आईटीआर 1 फॉर्म हम देख रहे हैं कि जहाँ पर आईटीआर 1 फॉर्म जो है इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन अगर आपका है, या फिर इनकम और लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी है, या फिर आपको कोई फैमिली पेंशन है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है जिसमें लॉटरी और हॉर्स रेसेस को छोड़कर जो अदर सोर्सेज हैं उसमें तो उस केस में आप आईटीआर 1 फॉर्म है जो यहाँ पर आप फाइल कर सकते हैं। तो ये इसके अलावा आप आईटीआर 2 फॉर्म की बात जब हम करते हैं, तो आईटीआर 2 फॉर्म जो है आपका जो यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल या एचओएफ के केस में इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन है, या फिर इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन ऑर्डिनरी रेजिडेंट पर्सन, या फिर फॉर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, तो आईटीआर 2 फाइल करेगा वो। इसके अलावा एनी इंडिविजुअल हु इज़ अ डायरेक्टर इन एनी कंपनी, तो अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है वो, तो आईटीआर 2 उसका जाता है, या आईटीआर 3 भी जाएगा। तो यहाँ पर इसको ध्यान देना है कि कहीं डायरेक्टर हैं यहाँ पे, तो आईटीआर 2 जाएगा आपका। और इसके अलावा पेमेंट ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईएसओपी अगर है अलॉटेड बाय एलिजिबल स्टार्टअप हैज़ बीन डिफर्ड, तो इस केस में भी आईटीआर 2 जाएगा आपका। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम और लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और इनकम हैज़ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और लॉसेज टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इन दैट केस आईटीआर 2 आप फाइल कर सकते हैं। और इनकम और लॉस फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी है तो आप आईटीआर 1 में उसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा है हाउस प्रॉपर्टी में लॉसेस हैं तो आप आईटीआर 2 के लिए आप जाना चाहिए आपको। इसके अलावा टैक्स पेयर हैज हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर किसी कंपनी का प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का अनलिस्टेड इक्विटी शेयर हेल्ड कर रखा है, तो यहाँ पर आपको आईटीआर 2 फॉर्म फाइल करना है। इसके अलावा कैपिटल गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है आपके, तो आईटीआर 2 के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई बिजनेस इनकम है तो इन केस में आईटीआर 3 आपका जाता है, या आप प्रिजम्पशन बेसिस में जाएंगे तो आईटीआर 4 जाएगा आपका। तो आईटीआर 3 में जो है ये कंप्लीट फॉर्म है इंडिविजुअल एचओएफ के लिए, जो आईटीआर 3 में जहाँ पर आप बिजनेस प्रोफेशन का इनकम को दिखा सकते हैं। इसके अलावा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, मोर देन लॉसेस फ्रॉम मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चरल इनकम मोर देन 5,000, तो ये हम सारे जो ये हैं जो आईटीआर 3 फॉर्म में जा सकते हैं। आईटीआर 4 के केस में आप प्रिजम्पशन बेसिस पे आपका, लेकिन प्रिजम्पशन बेसिस में आईटीआर 4 में आपका सैलरी इनकम भी डाल सकते हैं आप, और इनकम और लॉस फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी आप आईटीआर 4 में डाल सकते हैं। और इसके अलावा इनकम फॉर प्रिजम्प्टिव बेसिस पे आप 44AD, ADA और AE के अंदर यहाँ पर आईटीआर 4 में आप डाल सकते हैं। इसके अलावा फैमिली पेंशन वगैरह भी है, और तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आईटीआर 4 फॉर्म है जो आपका आजकल काफ़ी फेमस है, जो प्रिजम्प्शन बेसिस पे हम लोग फाइल करते हैं। तो इसमें नेचर ऑफ द इनकम इस तरह के हैं यहाँ पे। तो ये आपने देखा जो आईटीआर कौन से आईटीआर किस तरह के इनकम पे अप्लाई होंगे।
अदर्स के केस में हम देख सकते हैं कि एसएससी हैज इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज या फॉरेन एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी फॉरेन एंटिटी या साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में आईटीआर 2 और आईटीआर 3 ही जाएगा आपका। और इसके अलावा पोर्शन अगर किया है पुर्तगेज वगैरह वाला में तो आईटीआर 2 आईटीआर 3 जाए। इसके अलावा या इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन कैश विदड्रॉल अंडर सेक्शन 194A, यहाँ ध्यान देखना है 194A में आप कैश विड्रॉल करते हैं बैंक से तो उस केस में आपको TDS डिडक्ट होता है, तो उस केस में ITR 2 ITR 3 ITR 4 फाइल कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था ITR 1 के बारे में जानकारी। इसके अलावा ITR 4 जो है आपका के बारे में और ध्यान से देखिए, ITR 4 जो है आपका यहाँ पर फर्म भी फाइल कर सकती है ITR 4 यहाँ पर, लेकिन LLP को अलाउड नहीं है कि LLP प्रिजम्पशन स्कीम में फाइल करे। तो इसके अलावा ITR 5 जो है, जो ITR 5 है जो फर्म इंक्लूडिंग LLP फाइल कर सकती है, AOP फाइल कर सकती है, BOI और लोकल अथॉरिटी जो है आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन फाइल कर सकती है। इसके अलावा ITR 6 जो है आपका, वो ITR 6 जो है कंपनीज जो है अदर देन कंपनीज सेक्शन 8 कंपनी है या तो वो ITR 6 ना फाइल करके ITR 7 फाइल करती है। तो ये आपको ITR 6 फाइल करेगी और ITR 7 जो है आपका जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जितने हैं वो ITR 7 फाइल करते हैं, जो आपका इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल्स है, तो ये सब सारे जो है आपका रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी वगैरह, तो ITR 7 फाइल करेंगे। तो ये हमने देखा कि कौन सा ITR किस टाइप ऑफ द इनकम पे अप्लाई होता है। अब हम वो शॉर्ट में देखते हैं कि क्या क्या शेड्यूल में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या एडिशनल डिस्क्लोजर यहाँ पर लाए गए हैं। तो शेड्यूल FA जो है आपका यहाँ पर रिक्वायर फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग ऑफ फॉरेन एसेट हेल्ड एंड फॉरेन इनकम अर्न ड्यूरिंग द कैलेंडर एंडिंग 31st December, यहाँ पर ITR 2, 3, 5 and 6 में। तो इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ITR फॉर्म एक्सेप्ट ITR 1 एंड ITR 4 अप्लीकेबल फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 रिक्वायर ए रेजिडेंट टैक्स पेयर टू डिस्क्लोज हिज फॉरेन एसेट इन शेड्यूल FA। रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड इवन इफ द टैक्स पेयर इज ए बेनिफिशियल ओनर ऑफ सच फॉरेन एसेट और हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन फॉरेन एंटिटी। डिस्क्लोजर इन शेड्यूल FA ऑफ वेरियस फॉरेन एसेट सच एज फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट इमोवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट क्रिएटेड आउटसाइड इंडिया इज रिक्वायर्ड। The reporting requirement is mandatory only for the taxpayer who is resident in India. Schedule FA is not required to fill up by the taxpayer who is not already resident or is a non-resident. तो यहाँ पर changes in जो ITR form में जो changes हैं यहाँ पर वो ध्यान दीजिए कि new ITR form replace the expression accounting period with the calendar year ending as on 31st December 2021. This change implies that SSE shall furnish the detail of all foreign asset held between the 1st January 2021 say 31st December 2021 in return to be filled for the assessment year 22-23 irrespective of the fiscal year followed in the foreign country, like Australia follow July to June, Costa Rica follows October to September, etc. Though हर कंट्री का अलग अलग फिजिकल ईयर है, लेकिन इस तो भी यहाँ पर जो डिटेल आपको देना है ये 1st जनवरी 2021 से लेके 31st दिसंबर 2021 तक आपको डिटेल यहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग टू बी मेड इफ द स्पेसिफाइड फॉरेन एसेट आर हेल्ड ऑन द 31st दिसंबर 2021। दिस चेंजेस रिमूव ऑल स्कोप ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड मिस कैलकुलेटिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। आइए देखते हैं सेकंड चेंजेस। एडिशनल डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड इन द शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन। तो न्यू ITR फॉर्म रिक्वायर फॉलोइंग एडिशनल डिस्क्लोजर इन द शेड्यूल ऑफ द कैपिटल गेन एसेट। यहाँ डेट ऑफ परचेज एंड डेट ऑफ द सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग अब देना है आपको। इसके अलावा कंट्री एंड जीप कोड, अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड फॉरेन कंट्री में है तो कंट्री या जीप कोड देना है। इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ द
फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड इन स्लम सेल ट्रांजेक्शन, तो उसको डिस्क्लोज करना है। ईयर वाइज डिटेल ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट टू द लैंड एंड बिल्डिंग, ईयर वाइज डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इम्प्रूवमेंट, जो आपने एडिशन करते हैं तो ईयर वाइज आपका इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देना है आपको। इसके बाद सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन, तो पहले क्या था आप सिर्फ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देते थे, लेकिन अब क्या है आपको सेपरेट डिस्क्लोजर देना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द एक्विजिशन इतना है, तो ये यहाँ पर चेंजेज आए हैं। इसके अलावा डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन चार्ज अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 विच इज अट्रिब्यूटेबल टू द एसेट रिमेन विद फर्म, तो ये चेंजेज आए थे फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा। तो ITR फॉर्म में जो ITR फर्म का ITR 5 में अमेंड किया गया है शेड्यूल कैपिटल गेन टू डिस्क्लोज द डिडक्शन अलाउएबल अंडर सेक्शन 48(3) इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैपिटल गेन चार्ज टू द टैक्स अंडर सेक्शन 45 सबसेक्शन 4 विच इज अट्रिब्यूटेबल टू द कैपिटल एसेट रिमेनिंग विद द फर्म। इसके अलावा डिविडेंड इनकम टैक्सेबल एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22(e) टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली, इसको रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पर जो ITR फॉर्म जो है ITR फॉर्म 6 सेपरेट रिपोर्टिंग ऑफ द डिविडेंड इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22(e) के अंदर डिस्क्लोजर इन रिस्पेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रेजेंस का जो डिस्क्लोजर है यहाँ पे, तो इसमें ITR फॉर्म में जो यहाँ पर जो लिमिट है जो दिया जा रहा है, जो एनी ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विस ऑफ प्रॉपर्टी कैरीड आउट बाई नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ द डाउनलोड ऑफ द डाटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया एग्रीगेट ऑफ द पेइंग पेमेंट अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 2 crores, या फिर सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इंटरेक्शन विद 3 lakh यूजर इन इंडिया, तो यहाँ पर ITR फॉर्म में जो इसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस को डिस्क्लोजर की जो रिक्वायरमेंट है, तो न्यू ITR फॉर्म में द नॉन रेजिडेंट हैज टू कन्फर्म इफ देयर इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया और नॉट, इफ देयर इज ACP इन इंडिया द अबव मेंशन डिटेल्स ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड यूजर हैव टू बी प्रोवाइडेड इन द ITR फॉर्म। इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑफ द इंटरेस्ट accrued ऑन द प्रोविडेंट फंड टू विच नो exemption इज अवेलेबल, तो जो फाइनेंस एक्ट 2021 में जो अमेंडमेंट आए थे कि 2.5 lakh से ऊपर जो इंटरेस्ट अगर आपका आता है PF contribution में जो करते हैं उसका इंटरेस्ट आता है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना है यहाँ पे, उस टैक्सेबल भी होगा। तो यहाँ पर जो ITR में चेंजेस लाए गए हैं कि न्यू ITR फॉर्म में शेड्यूल OS अदर सोर्सेज हैव बीन अमेंडेड टू इनकॉर्पोरेट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट इनकम। इसके अलावा एडजस्टमेंट ऑफ द अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पर्टेनिंग टू द एडिशनल डेप्रिसिएशन फ्रॉम WDV ऑफ लॉक ऑफ एसेट एज ऑन 1st अप्रैल 2020। तो ITR फॉर्म में यहाँ पर चेंजेस आए हैं लाए गए हैं कि न्यू ITR फॉर्म में शेड्यूल डेप्रिसिएशन का जो शेड्यूल है विच विल deals with the depreciation on the plant and machinery has been amended. It provides that WDV of the block as on 1st April 2020 shall be increased by the amount of the unabsorbed depreciation pertaining to the additional depreciation which was not allowed to be adjusted on account of the opting for section 115 BAC. Iske alawa a new schedule has been inserted for reporting of the tax deferred on the e-shop. तो यहाँ पर चेंजेस इन द ITR फॉर्म में ये चेंजेस लाए गए हैं। इसके अलावा लिमिटिंग द रेट ऑफ द सरचार्ज ऑन द डिविडेंड इनकम, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो लाए गए हैं पार्ट बी कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम में टू लिमिट द रेट ऑफ द सरचार्ज ऑन डिविडेंड इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 AD एंड अदर डिविडेंड इनकम। इसके अलावा रिलीफ अंडर सेक्शन 89A फ्रॉम टैक्सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन नोटिफाइड कंट्रीज, तो यहाँ पर चेंजेस हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। इसका एक्सक्लूजन ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेड्यूल इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो यहाँ पर जो चेंजेस किए गए हैं तो न्यू ITR फॉर्म में एड किया गया डिविडेंड टू द इन द लिस्ट टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम द शेड्यूल business income from the business and profit if it is credited to the profit and loss account.
दिस एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेड्यूल बीपी इज इन लाइन विद द सेक्शन 56 सबसेक्शन 2(1) व्हिच प्रोवाइड दैट डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इट शुड बी नोटेड दैट वेयर द डिविडेंड रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर और सिक्योरिटीज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड वेरियस कोर्ट हैव हेल्ड दैट इट शुड बी ट्रीटेड एज द इनकम अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस थ्रू द पर्पस ऑफ चार्जेबिलिटी इज इंक्लूडेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में. इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल एट द कंसेशनल रेट ऑफ द 4% अंडर सेक्शन 194 LC. इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ इनकम ऑफ FII एंड स्पेसिफाइड फंड चार्जेबल अंडर सेक्शन 115 AD. तो इसके सेपरेट डिस्क्लोजर. इसके बाद सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम यूनिट्स लोकेटेड इन द IFC इन शेड्यूल AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है उसके बारे में आपको अगर यूनिट कोई लिक्विडेटेड है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में के अंदर आपका सर्विस सेंटर के अंदर तो यहाँ पर आपको डिस्क्लोज करना है. इसके बाद सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम फ्रॉम द यूनिट लोकेटेड इन IFSC इन शेड्यूल मिनिमम अल्टरनेट टैक्स. इसके अलावा शेड्यूल 80GGA हैज़ बीन इंसर्टेड फॉर द पार्टनर डिराइविंग ओनली प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म. तो यहाँ पर जो सेक्शन 80GGA एक्ट अलाउज डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू स्पेसिफाइड एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन. दिस डिडक्शन इज अलाउड टू एन एसोसिएट हु इज नॉट हैविंग एनी इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इन प्रॉफिट एंड गेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन. तो यहाँ पर चेंज किए हैं ITR फॉर्म में. कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन द शेड्यूल ATIA और ATIB ड्यू टू सनसेट क्लॉज ऑन द एलिजिबिलिटी टू क्लेम द डिडक्शन. इसके अलावा टोटल सेकेंडरी एडजस्टमेंट मेड टू बी डिस्क्लोज. इसके अलावा डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिट टेकिंग NBFC और सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC. इसके अलावा एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड टू ऑफ इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन सर्टेन क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 10. इसके अलावा अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है. एडिशनल डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड ऑफ द इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन अंडर सर्टेन क्लॉजेज ऑफ सेक्शन 10. तो ये 10 के अंदर जो है उसको कुछ क्लॉजेस हैं उसमें डिस्क्लोजर देना है. सेपरेट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन 115 AC. इसके अलावा रिमूवल ऑफ रेफरेंसेस ऑफ सेक्शन 153A एंड 153C फॉर द रिटर्न फाइल इन रिस्पॉन्स टू ए नोटिस. इसके बाद नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पेंशनर इज फर्दर कैटेगराइज. इन ऑल ITR फॉर्म ड्रॉप डाउन में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो इंडिविजुअल रिसीविंग पेंशन हैज़ टू चूज द ऑप्शन ऑफ द पेंशनर. इन न्यू ITR फॉर्म पेंशन कहाँ से मिल रहा है उसको डिस्क्लोज करना है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट PSU और अदर से. तो अब यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से डिस्क्लोज करना है उसमें. इसके बाद डिस्क्लोजर फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BAC. इसके अलावा डिस्क्लोजर फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BA, BAA एंड 115 BAB. तो अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम जो ऑप्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्क्लोज करना है. डिस्क्लोजर फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रेजिम ऑप्टेन अंडर सेक्शन 115 BAD. इस पर एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉर्ट फ्रॉम द SSC नोट ऑप्टिंग फॉर द प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम. मैंडेटरी टू चूज द सुटेबल ऑप्शन इन सपोर्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया. तो सुटेबल ऑप्शन जो है आपका सेलेक्ट करना है सपोर्ट ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर आपको अब यहाँ पर सारे डिस्क्लोजर यहाँ पर रहेंगे वहाँ पर आपको टिक करने का 4 ऑप्शन दिए जाएंगे इसमें रेजिडेंट बट नॉट रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट. तो ये अब यहाँ पर ITR फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा. इसके बाद न्यू शेड्यूल IF इंसर्टेड टू सीक द डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इन अन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी. तो यहाँ पर न्यू ITR फॉर्म 6 इंसर्टेड ए न्यू शेड्यूल IF इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इन अन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी दैट रिक्वायर द कंपनीज टू डिस्क्लोज द
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड इन द अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, नेम ऑफ एंटिटी, टाइप एंटिटी, पैन ऑफ एंटिटी, तो ये सारे आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करने हैं। तो ये 30 अमेंडमेंट जो है यहाँ पर डिटेल में दिए गए हैं, तो उसको आप रेफर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू किया कि क्या क्या चेंजेस जो लाए गए हैं न्यू ITR फॉर्म में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अपडेट।